दोस्तों, अगर आप भी सेल्फी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 24 फरवरी 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी सेल्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राज मेहता, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, मोनराल ठाकुर, नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस, कुसा कपिला, अदा शर्मा, अभिमन्यु सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हां दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो RTO इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल इमरान हाशमी फिल्म में सुपरस्टार विजय कुमार अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विजय कुमार भोपाल आया हुआ है, जहां पर ओम प्रकाश रहता है। फिल्म की शूटिंग की मंजूरी के लिए विजय कुमार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करनी है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे पता चलता है कि उसका लाइसेंस खो गया। विजय का जबरदस्त पेन होने के नाते ओम प्रकाश जल्द लाइसेंस बनवाने की उसकी मदद करता है। लाइसेंस लेने RTO ऑफिस पहुंचा विजय वहां मीडिया को देख भड़क जाता है और ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने बेइज्जत करता है। कहानी यहाँ से पलटती है और विजय का सबसे बड़ा फैन ओम प्रकाश अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसी बीच ओम प्रकाश के घर पर कुछ गुंडे पथराव कर देते हैं, तो उसे लगता है कि ये सब विजय ने करवाया है। अब वे साफ कर देता है कि विजय को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो उसे आम आदमी की तरह RTO आकर सारे टेस्ट देने होंगे। आगे एक सुपरस्टार और उसके सबसे बड़े फैन की जंग का क्या अंजाम होता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो ऐसी फिल्म को देखकर आपको एक बार को 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म फैन की याद आ जाएगी। उसमें शाहरुख का सबसे बड़ा फैन उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसी फिल्म में शाहरुख ने अपना और अपने फैन का डबल रोल किया है। हालांकि ये फिल्म उसके कई मायने में अलग है। फिल्म का पहला हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एक मसालेदार फिल्म की उम्मीद जगाता है, लेकिन अफसोस ये कि सेकेंड हाफ में फिल्म की कहानी उतना दम नज़र नहीं आता। अक्षय और इमरान की सेल्फी का क्लाइमैक्स काफ़ी कमज़ोर है। हालाँकि डायरेक्टर राज मेहता ने फिल्म में
कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सारे मसाले डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण वे एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब रहे हैं। अक्षय कुमार ने इसी फिल्म में सुपरस्टार के रोल में ठीक ठाक एक्टिंग की है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सेल्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी सेल्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राज मेहता, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, मोनराल ठाकुर, नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस, कुसा कपिला, अदा शर्मा, अभिमन्यु सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हां दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो आरटीओ इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल इमरान हाशमी फिल्म में सुपरस्टार विजय कुमार अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विजय कुमार भोपाल आया हुआ है, जहां पर ओम प्रकाश रहता है। फिल्म की शूटिंग की मंजूरी के लिए विजय कुमार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करनी है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे पता चलता है कि उसका लाइसेंस खो गया। विजय का जबरदस्त पेन होने के नाते ओम प्रकाश जल्द लाइसेंस बनवाने की उसकी मदद करता है। लाइसेंस लेने आरटीओ ऑफिस पहुंचा विजय वहां मीडिया को देख भड़क जाता है और ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने बेइज्जत करता है। कहानी यहाँ से पलटती है और विजय का सबसे बड़ा फैन ओम प्रकाश अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसी बीच ओम प्रकाश के घर पर कुछ गुंडे पथराव कर देते हैं,
तो उसे लगता है कि ये सब विजय ने करवाया है। अब वह साफ कर देता है कि विजय को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसे आम आदमी की तरह RTO आकर सारे टेस्ट देने होंगे। आगे एक सुपरस्टार और उसके सबसे बड़े फैन की जंग का क्या अंजाम होता है ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की, तो ऐसी फिल्म को देखकर आपको एक बार को 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म फैन की याद आ जाएगी। उसमें शाहरुख का सबसे बड़ा फैन है उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसी फिल्म में शाहरुख ने अपना और अपने फैन का डबल रोल किया है। हालांकि ये फिल्म उसके कई मायने में अलग है। फिल्म का पहला हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एक मसालेदार फिल्म की उम्मीद जगाता है, लेकिन अफसोस ये कि सेकेंड हाफ में फिल्म की कहानी उतना दम नज़र नहीं आता। अक्षय और इमरान की सेल्फी का क्लाइमैक्स काफ़ी कमज़ोर है। हालाँकि डायरेक्टर राज मेहता ने फिल्म में कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सारे मसाले डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण वे एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब रहे हैं। अक्षय कुमार ने इसी फिल्म में सुपरस्टार के रोल में ठीक ठाक एक्टिंग की है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सेल्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी सेल्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राज मेहता, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, मोनराल ठाकुर, नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस, कुसा कपिला, अदा शर्मा, अभिमन्यु सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हां दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो RTO इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल इमरान हाशमी फिल्म सुपरस्टार विजय कुमार अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विजय
कुमार भोपाल आया हुआ है, जहां पर ओम प्रकाश रहता है। फिल्म की शूटिंग की मंजूरी के लिए विजय कुमार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करनी है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे पता चलता है कि उसका लाइसेंस खो गया। विजय का जबरदस्त पेन होने के नाते ओम प्रकाश जल्द लाइसेंस बनवाने की उसकी मदद करता है। लाइसेंस लेने आरटीओ ऑफिस पहुंचा विजय वहां मीडिया को देख भड़क जाता है और ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने बेइज्जत करता है। कहानी यहाँ से पलटती है और विजय का सबसे बड़ा फैन ओम प्रकाश अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसी बीच ओम प्रकाश के घर पर कुछ गुंडे पथराव कर देते हैं, तो उसे लगता है कि ये सब विजय ने करवाया है। अब वे साफ कर देता है कि विजय को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसे आम आदमी की तरह आरटीओ आकर सारे टेस्ट देने होंगे। आगे एक सुपरस्टार और उसके सबसे बड़े फैन की जंग का क्या अंजाम होता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की, तो ऐसी फिल्म को देखकर आपको एक बार को 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म फैन की याद आ जाएगी। उसमें शाहरुख का सबसे बड़ा फैन है उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसी फिल्म में शाहरुख ने अपना और अपने फैन का डबल रोल किया है। हालांकि ये फिल्म उसके कई मायने में अलग है। फिल्म का पहला हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एक मसालेदार फिल्म की उम्मीद जगाता है, लेकिन अफसोस ये कि सेकेंड हाफ में फिल्म की कहानी उतना दम नज़र नहीं आता। अक्षय और इमरान की सेल्फी का क्लाइमैक्स काफ़ी कमज़ोर है। हालाँकि डायरेक्टर राज मेहता ने फिल्म में कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सारे मसाले डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण वे एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब रहे हैं। अक्षय कुमार ने इसी फिल्म में सुपरस्टार के रोल में ठीक ठाक एक्टिंग की है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सेल्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी सेल्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राज मेहता, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, मोनराल ठाकुर, नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस, कुसा कपिला, अदा शर्मा, अभिमन्यु सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो आरटीओ इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल इमरान हाशमी फिल्म में सुपरस्टार विजय कुमार अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विजय कुमार भोपाल आया हुआ है जहां पर ओम प्रकाश रहता है। फिल्म की शूटिंग की मंजूरी के लिए विजय कुमार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करनी है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे पता चलता है कि उसका लाइसेंस खो गया। विजय का जबरदस्त पेन होने के नाते ओम प्रकाश जल्द लाइसेंस बनवाने की उसकी मदद करता है। लाइसेंस लेने आरटीओ ऑफिस पहुंचा विजय वहां मीडिया को देख भड़क जाता है और ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने बेइज्जत करता है। कहानी यहाँ से पलटती है और विजय का सबसे बड़ा फैन ओम प्रकाश अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसी बीच ओम प्रकाश के घर पर कुछ गुंडे पथराव कर देते हैं, तो उसे लगता है कि ये सब विजय ने करवाया है। अब वे साफ कर देता है कि विजय को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो उसे आम आदमी की तरह आरटीओ आकर सारे टेस्ट देने होंगे। आगे एक सुपरस्टार और उसके सबसे बड़े फैन की जंग का क्या अंजाम होता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो ऐसी फिल्म को देखकर आपको एक बार को 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म फैन की याद आ जाएगी। उसमें शाहरुख का सबसे बड़ा फैन है उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसी फिल्म में शाहरुख ने अपना और अपने फैन का डबल रोल किया है। हालांकि ये फिल्म उसके कई मायने में अलग है। फिल्म का पहला हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एक मसालेदार फिल्म की उम्मीद जगाता है, लेकिन अफसोस ये कि सेकेंड हाफ में फिल्म की कहानी उतना दम नज़र नहीं आता। अक्षय और इमरान की सेल्फी का क्लाइमैक्स काफ़ी कमज़ोर है। हालाँकि डायरेक्टर राज मेहता ने फिल्म में कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सारे मसाले डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण वे एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब रहे हैं। अक्षय कुमार ने इसी फिल्म में सुपरस्टार के रोल में ठीक ठाक एक्टिंग की है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सेल्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी सेल्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राज मेहता, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं।
तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, मोनराल ठाकुर, नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस, कुसा कपिला, अदा शर्मा, अभिमन्यु सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हां दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो RTO इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल इमरान हाशमी फिल्म में सुपरस्टार विजय कुमार अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विजय कुमार भोपाल आया हुआ है, जहां पर ओम प्रकाश रहता है। फिल्म की शूटिंग की मंजूरी के लिए विजय कुमार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करनी है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे पता चलता है कि उसका लाइसेंस खो गया। विजय का जबरदस्त पेन होने के नाते ओम प्रकाश जल्द लाइसेंस बनवाने की उसकी मदद करता है। लाइसेंस लेने RTO ऑफिस पहुंचा विजय वहां मीडिया को देख भड़क जाता है और ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने बेइज्जत करता है। कहानी यहाँ से पलटती है और विजय का सबसे बड़ा फैन ओम प्रकाश अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसी बीच ओम प्रकाश के घर पर कुछ गुंडे पथराव कर देते हैं, तो उसे लगता है कि ये सब विजय ने करवाया है। अब वे साफ कर देता है कि विजय को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो उसे आम आदमी की तरह RTO आकर सारे टेस्ट देने होंगे। आगे एक सुपरस्टार और उसके सबसे बड़े फैन की जंग का क्या अंजाम होता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो ऐसी फिल्म को देखकर आपको एक बार को 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म फैन की याद आ जाएगी। उसमें शाहरुख का सबसे बड़ा फैन है उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसी फिल्म में शाहरुख ने अपना और अपने फैन का डबल रोल किया है। हालांकि ये फिल्म उसके कई मायने में अलग है। फिल्म का पहला हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एक मसालेदार फिल्म की उम्मीद जगाता है, लेकिन अफसोस ये कि सेकेंड हाफ में फिल्म की कहानी उतना दम नज़र नहीं आता। अक्षय और इमरान की सेल्फी का क्लाइमैक्स काफ़ी कमज़ोर है। हालाँकि डायरेक्टर राज मेहता ने फिल्म में कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सारे मसाले डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण वे एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब रहे हैं। अक्षय कुमार ने इसी फिल्म में सुपरस्टार के रोल में ठीक ठाक एक्टिंग की है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी सेल्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी सेल्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राज मेहता, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, मोनराल ठाकुर, नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस, कुसा कपिला, अदा शर्मा, अभिमन्यु सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हां दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो आरटीओ इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल इमरान हाशमी फिल्म में सुपरस्टार विजय कुमार अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विजय कुमार भोपाल आया हुआ है, जहां पर ओम प्रकाश रहता है। फिल्म की शूटिंग की मंजूरी के लिए विजय कुमार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करनी है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे पता चलता है कि उसका लाइसेंस खो गया। विजय का जबरदस्त पेन होने के नाते ओम प्रकाश जल्द लाइसेंस बनवाने की उसकी मदद करता है। लाइसेंस लेने आरटीओ ऑफिस पहुंचा विजय वहां मीडिया को देख भड़क जाता है और ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने बेइज्जत करता है। कहानी यहाँ से पलटती है और विजय का सबसे बड़ा फैन ओम प्रकाश अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसी बीच ओम प्रकाश के घर पर कुछ गुंडे पथराव कर देते हैं, तो उसे लगता है कि ये सब विजय ने करवाया है। अब वे साफ कर देता है कि विजय को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो उसे आम आदमी की तरह आरटीओ आकर सारे टेस्ट देने होंगे। आगे एक सुपरस्टार और उसके सबसे बड़े फैन की जंग का क्या अंजाम होता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की, तो ऐसी फिल्म को देखकर आपको एक बार को 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म फैन की याद आ जाएगी। उसमें शाहरुख का सबसे बड़ा फैन है उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसी फिल्म में शाहरुख ने अपना और अपने फैन का डबल रोल किया है। हालांकि ये फिल्म उसके कई मायने में अलग है। फिल्म का पहला हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एक मसालेदार फिल्म की उम्मीद जगाता है, लेकिन अफसोस ये कि सेकेंड हाफ में फिल्म की कहानी उतना दम नज़र नहीं आता। अक्षय और इमरान की सेल्फी का क्लाइमैक्स काफ़ी कमज़ोर है। हालाँकि डायरेक्टर राज मेहता ने फिल्म में
कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सारे मसाले डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण वे एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब रहे हैं। अक्षय कुमार ने इसी फिल्म में सुपरस्टार के रोल में ठीक ठाक एक्टिंग की है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सेल्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी सेल्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राज मेहता, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, मोनराल ठाकुर, नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस, कुसा कपिला, अदा शर्मा, अभिमन्यु सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हां दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो आरटीओ इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल इमरान हाशमी फिल्म में सुपरस्टार विजय कुमार अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विजय कुमार भोपाल आया हुआ है, जहां पर ओम प्रकाश रहता है। फिल्म की शूटिंग की मंजूरी के लिए विजय कुमार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करनी है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे पता चलता है कि उसका लाइसेंस खो गया। विजय का जबरदस्त पेन होने के नाते ओम प्रकाश जल्द लाइसेंस बनवाने की उसकी मदद करता है। लाइसेंस लेने आरटीओ ऑफिस पहुंचा विजय वहां मीडिया को देख भड़क जाता है और ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने बेइज्जत करता है। कहानी यहाँ से पलटती है और विजय का सबसे बड़ा फैन ओम प्रकाश अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसी बीच ओम प्रकाश के घर पर कुछ गुंडे पथराव कर देते हैं,
तो उसे लगता है कि ये सब विजय ने करवाया है। अब वह साफ कर देता है कि विजय को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसे आम आदमी की तरह RTO आकर सारे टेस्ट देने होंगे। आगे एक सुपरस्टार और उसके सबसे बड़े फैन की जंग का क्या अंजाम होता है ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की, तो ऐसी फिल्म को देखकर आपको एक बार को 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म फैन की याद आ जाएगी। उसमें शाहरुख का सबसे बड़ा फैन है उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसी फिल्म में शाहरुख ने अपना और अपने फैन का डबल रोल किया है। हालांकि ये फिल्म उसके कई मायने में अलग है। फिल्म का पहला हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एक मसालेदार फिल्म की उम्मीद जगाता है, लेकिन अफसोस ये कि सेकेंड हाफ में फिल्म की कहानी उतना दम नज़र नहीं आता। अक्षय और इमरान की सेल्फी का क्लाइमैक्स काफ़ी कमज़ोर है। हालाँकि डायरेक्टर राज मेहता ने फिल्म में कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सारे मसाले डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण वे एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब रहे हैं। अक्षय कुमार ने इसी फिल्म में सुपरस्टार के रोल में ठीक ठाक एक्टिंग की है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सेल्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी सेल्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राज मेहता, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, मोनराल ठाकुर, नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस, कुसा कपिला, अदा शर्मा, अभिमन्यु सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हां दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो RTO इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल इमरान हाशमी फिल्म सुपरस्टार विजय कुमार अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विजय
कुमार भोपाल आया हुआ है, जहां पर ओम प्रकाश रहता है। फिल्म की शूटिंग की मंजूरी के लिए विजय कुमार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करनी है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे पता चलता है कि उसका लाइसेंस खो गया। विजय का जबरदस्त पेन होने के नाते ओम प्रकाश जल्द लाइसेंस बनवाने की उसकी मदद करता है। लाइसेंस लेने आरटीओ ऑफिस पहुंचा विजय वहां मीडिया को देख भड़क जाता है और ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने बेइज्जत करता है। कहानी यहाँ से पलटती है और विजय का सबसे बड़ा फैन ओम प्रकाश अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसी बीच ओम प्रकाश के घर पर कुछ गुंडे पथराव कर देते हैं, तो उसे लगता है कि ये सब विजय ने करवाया है। अब वे साफ कर देता है कि विजय को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसे आम आदमी की तरह आरटीओ आकर सारे टेस्ट देने होंगे। आगे एक सुपरस्टार और उसके सबसे बड़े फैन की जंग का क्या अंजाम होता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की, तो ऐसी फिल्म को देखकर आपको एक बार को 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म फैन की याद आ जाएगी। उसमें शाहरुख का सबसे बड़ा फैन है उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसी फिल्म में शाहरुख ने अपना और अपने फैन का डबल रोल किया है। हालांकि ये फिल्म उसके कई मायने में अलग है। फिल्म का पहला हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एक मसालेदार फिल्म की उम्मीद जगाता है, लेकिन अफसोस ये कि सेकेंड हाफ में फिल्म की कहानी उतना दम नज़र नहीं आता। अक्षय और इमरान की सेल्फी का क्लाइमैक्स काफ़ी कमज़ोर है। हालाँकि डायरेक्टर राज मेहता ने फिल्म में कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सारे मसाले डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण वे एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब रहे हैं। अक्षय कुमार ने इसी फिल्म में सुपरस्टार के रोल में ठीक ठाक एक्टिंग की है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सेल्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी सेल्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राज मेहता, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, मोनराल ठाकुर, नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस, कुसा कपिला, अदा शर्मा, अभिमन्यु सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो आरटीओ इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल इमरान हाशमी फिल्म में सुपरस्टार विजय कुमार अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विजय कुमार भोपाल आया हुआ है, जहां पर ओम प्रकाश रहता है। फिल्म की शूटिंग की मंजूरी के लिए विजय कुमार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करनी है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे पता चलता है कि उसका लाइसेंस खो गया। विजय का जबरदस्त पेन होने के नाते ओम प्रकाश जल्द लाइसेंस बनवाने की उसकी मदद करता है। लाइसेंस लेने आरटीओ ऑफिस पहुंचा विजय वहां मीडिया को देख भड़क जाता है और ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने बेइज्जत करता है। कहानी यहाँ से पलटती है और विजय का सबसे बड़ा फैन ओम प्रकाश अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसी बीच ओम प्रकाश के घर पर कुछ गुंडे पथराव कर देते हैं, तो उसे लगता है कि ये सब विजय ने करवाया है। अब वे साफ कर देता है कि विजय को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो उसे आम आदमी की तरह आरटीओ आकर सारे टेस्ट देने होंगे। आगे एक सुपरस्टार और उसके सबसे बड़े फैन की जंग का क्या अंजाम होता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो ऐसी फिल्म को देखकर आपको एक बार को 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म फैन की याद आ जाएगी। उसमें शाहरुख का सबसे बड़ा फैन है उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसी फिल्म में शाहरुख ने अपना और अपने फैन का डबल रोल किया है। हालांकि ये फिल्म उसके कई मायने में अलग है। फिल्म का पहला हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एक मसालेदार फिल्म की उम्मीद जगाता है, लेकिन अफसोस ये कि सेकेंड हाफ में फिल्म की कहानी उतना दम नज़र नहीं आता। अक्षय और इमरान की सेल्फी का क्लाइमैक्स काफ़ी कमज़ोर है। हालाँकि डायरेक्टर राज मेहता ने फिल्म में कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सारे मसाले डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण वे एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब रहे हैं। अक्षय कुमार ने इसी फिल्म में सुपरस्टार के रोल में ठीक ठाक एक्टिंग की है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सेल्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी सेल्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राज मेहता, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं।
तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, मोनराल ठाकुर, नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस, कुसा कपिला, अदा शर्मा, अभिमन्यु सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हां दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो RTO इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल इमरान हाशमी फिल्म में सुपरस्टार विजय कुमार अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विजय कुमार भोपाल आया हुआ है, जहां पर ओम प्रकाश रहता है। फिल्म की शूटिंग की मंजूरी के लिए विजय कुमार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करनी है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे पता चलता है कि उसका लाइसेंस खो गया। विजय का जबरदस्त पेन होने के नाते ओम प्रकाश जल्द लाइसेंस बनवाने की उसकी मदद करता है। लाइसेंस लेने RTO ऑफिस पहुंचा विजय वहां मीडिया को देख भड़क जाता है और ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने बेइज्जत करता है। कहानी यहाँ से पलटती है और विजय का सबसे बड़ा फैन ओम प्रकाश अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसी बीच ओम प्रकाश के घर पर कुछ गुंडे पथराव कर देते हैं, तो उसे लगता है कि ये सब विजय ने करवाया है। अब वे साफ कर देता है कि विजय को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो उसे आम आदमी की तरह RTO आकर सारे टेस्ट देने होंगे। आगे एक सुपरस्टार और उसके सबसे बड़े फैन की जंग का क्या अंजाम होता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो ऐसी फिल्म को देखकर आपको एक बार को 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म फैन की याद आ जाएगी। उसमें शाहरुख का सबसे बड़ा फैन है उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसी फिल्म में शाहरुख ने अपना और अपने फैन का डबल रोल किया है। हालांकि ये फिल्म उसके कई मायने में अलग है। फिल्म का पहला हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एक मसालेदार फिल्म की उम्मीद जगाता है, लेकिन अफसोस ये कि सेकेंड हाफ में फिल्म की कहानी उतना दम नज़र नहीं आता। अक्षय और इमरान की सेल्फी का क्लाइमैक्स काफ़ी कमज़ोर है। हालाँकि डायरेक्टर राज मेहता ने फिल्म में कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सारे मसाले डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण वे एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब रहे हैं। अक्षय कुमार ने इसी फिल्म में सुपरस्टार के रोल में ठीक ठाक एक्टिंग की है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी सेल्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी सेल्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राज मेहता, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, मोनराल ठाकुर, नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस, कुसा कपिला, अदा शर्मा, अभिमन्यु सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हां दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो आरटीओ इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल इमरान हाशमी फिल्म सुपरस्टार विजय कुमार अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विजय कुमार भोपाल आया हुआ है, जहां पर ओम प्रकाश रहता है। फिल्म की शूटिंग की मंजूरी के लिए विजय कुमार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करनी है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे पता चलता है कि उसका लाइसेंस खो गया। विजय का जबरदस्त पेन होने के नाते ओम प्रकाश जल्द लाइसेंस बनवाने की उसकी मदद करता है। लाइसेंस लेने आरटीओ ऑफिस पहुंचा विजय वहां मीडिया को देख भड़क जाता है और ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने बेइज्जत करता है। कहानी यहाँ से पलटती है और विजय का सबसे बड़ा फैन ओम प्रकाश अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसी बीच ओम प्रकाश के घर पर कुछ गुंडे पथराव कर देते हैं, तो उसे लगता है कि ये सब विजय ने करवाया है। अब वे साफ कर देता है कि विजय को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो उसे आम आदमी की तरह आरटीओ आकर सारे टेस्ट देने होंगे। आगे एक सुपरस्टार और उसके सबसे बड़े फैन की जंग का क्या अंजाम होता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो ऐसी फिल्म को देखकर आपको एक बार को 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म फैन की याद आ जाएगी। उसमें शाहरुख का सबसे बड़ा फैन है उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसी फिल्म में शाहरुख ने अपना और अपने फैन का डबल रोल किया है। हालांकि ये फिल्म उसके कई मायने में अलग है। फिल्म का पहला हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एक मसालेदार फिल्म की उम्मीद जगाता है, लेकिन अफसोस ये कि सेकेंड हाफ में फिल्म की कहानी उतना दम नज़र नहीं आता। अक्षय और इमरान की सेल्फी का क्लाइमैक्स काफ़ी कमज़ोर है। हालाँकि डायरेक्टर राज मेहता ने फिल्म में
कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सारे मसाले डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण वे एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब रहे हैं। अक्षय कुमार ने इसी फिल्म में सुपरस्टार के रोल में ठीक ठाक एक्टिंग की है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सेल्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी सेल्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राज मेहता, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, मोनराल ठाकुर, नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस, कुसा कपिला, अदा शर्मा, अभिमन्यु सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हां दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो आरटीओ इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल इमरान हाशमी फिल्म में सुपरस्टार विजय कुमार अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विजय कुमार भोपाल आया हुआ है, जहां पर ओम प्रकाश रहता है। फिल्म की शूटिंग की मंजूरी के लिए विजय कुमार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करनी है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे पता चलता है कि उसका लाइसेंस खो गया। विजय का जबरदस्त पेन होने के नाते ओम प्रकाश जल्द लाइसेंस बनवाने की उसकी मदद करता है। लाइसेंस लेने आरटीओ ऑफिस पहुंचा विजय वहां मीडिया को देख भड़क जाता है और ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने बेइज्जत करता है। कहानी यहाँ से पलटती है और विजय का सबसे बड़ा फैन ओम प्रकाश अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसी बीच ओम प्रकाश के घर पर कुछ गुंडे पथराव कर देते हैं,
तो उसे लगता है कि ये सब विजय ने करवाया है। अब वह साफ कर देता है कि विजय को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसे आम आदमी की तरह RTO आकर सारे टेस्ट देने होंगे। आगे एक सुपरस्टार और उसके सबसे बड़े फैन की जंग का क्या अंजाम होता है ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की, तो ऐसी फिल्म को देखकर आपको एक बार को 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म फैन की याद आ जाएगी। उसमें शाहरुख का सबसे बड़ा फैन है उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसी फिल्म में शाहरुख ने अपना और अपने फैन का डबल रोल किया है। हालांकि ये फिल्म उसके कई मायने में अलग है। फिल्म का पहला हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एक मसालेदार फिल्म की उम्मीद जगाता है, लेकिन अफसोस ये कि सेकेंड हाफ में फिल्म की कहानी उतना दम नज़र नहीं आता। अक्षय और इमरान की सेल्फी का क्लाइमैक्स काफ़ी कमज़ोर है। हालाँकि डायरेक्टर राज मेहता ने फिल्म में कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सारे मसाले डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण वे एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब रहे हैं। अक्षय कुमार ने इसी फिल्म में सुपरस्टार के रोल में ठीक ठाक एक्टिंग की है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सेल्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी सेल्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राज मेहता, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, मोनराल ठाकुर, नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस, कुसा कपिला, अदा शर्मा, अभिमन्यु सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हां दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो RTO इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल इमरान हाशमी फिल्म सुपरस्टार विजय कुमार अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विजय
कुमार भोपाल आया हुआ है, जहां पर ओम प्रकाश रहता है। फिल्म की शूटिंग की मंजूरी के लिए विजय कुमार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करनी है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे पता चलता है कि उसका लाइसेंस खो गया। विजय का जबरदस्त पेन होने के नाते ओम प्रकाश जल्द लाइसेंस बनवाने की उसकी मदद करता है। लाइसेंस लेने आरटीओ ऑफिस पहुंचा विजय वहां मीडिया को देख भड़क जाता है और ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने बेइज्जत करता है। कहानी यहाँ से पलटती है और विजय का सबसे बड़ा फैन ओम प्रकाश अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसी बीच ओम प्रकाश के घर पर कुछ गुंडे पथराव कर देते हैं, तो उसे लगता है कि ये सब विजय ने करवाया है। अब वे साफ कर देता है कि विजय को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसे आम आदमी की तरह आरटीओ आकर सारे टेस्ट देने होंगे। आगे एक सुपरस्टार और उसके सबसे बड़े फैन की जंग का क्या अंजाम होता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की, तो ऐसी फिल्म को देखकर आपको एक बार को 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म फैन की याद आ जाएगी। उसमें शाहरुख का सबसे बड़ा फैन है उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसी फिल्म में शाहरुख ने अपना और अपने फैन का डबल रोल किया है। हालांकि ये फिल्म उसके कई मायने में अलग है। फिल्म का पहला हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एक मसालेदार फिल्म की उम्मीद जगाता है, लेकिन अफसोस ये कि सेकेंड हाफ में फिल्म की कहानी उतना दम नज़र नहीं आता। अक्षय और इमरान की सेल्फी का क्लाइमैक्स काफ़ी कमज़ोर है। हालाँकि डायरेक्टर राज मेहता ने फिल्म में कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सारे मसाले डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण वे एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब रहे हैं। अक्षय कुमार ने इसी फिल्म में सुपरस्टार के रोल में ठीक ठाक एक्टिंग की है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सेल्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी सेल्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राज मेहता, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, मोनराल ठाकुर, नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस, कुसा कपिला, अदा शर्मा, अभिमन्यु सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो आरटीओ इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल इमरान हाशमी फिल्म में सुपरस्टार विजय कुमार अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विजय कुमार भोपाल आया हुआ है जहां पर ओम प्रकाश रहता है। फिल्म की शूटिंग की मंजूरी के लिए विजय कुमार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करनी है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे पता चलता है कि उसका लाइसेंस खो गया। विजय का जबरदस्त पेन होने के नाते ओम प्रकाश जल्द लाइसेंस बनवाने की उसकी मदद करता है। लाइसेंस लेने आरटीओ ऑफिस पहुंचा विजय वहां मीडिया को देख भड़क जाता है और ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने बेइज्जत करता है। कहानी यहाँ से पलटती है और विजय का सबसे बड़ा फैन ओम प्रकाश अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसी बीच ओम प्रकाश के घर पर कुछ गुंडे पथराव कर देते हैं, तो उसे लगता है कि ये सब विजय ने करवाया है। अब वे साफ कर देता है कि विजय को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसे आम आदमी की तरह आरटीओ आकर सारे टेस्ट देने होंगे। आगे एक सुपरस्टार और उसके सबसे बड़े फैन की जंग का क्या अंजाम होता है ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो ऐसी फिल्म को देखकर आपको एक बार को 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म फैन की याद आ जाएगी। उसमें शाहरुख का सबसे बड़ा फैन है उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसी फिल्म में शाहरुख ने अपना और अपने फैन का डबल रोल किया है। हालांकि ये फिल्म उसके कई मायने में अलग है। फिल्म का पहला हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एक मसालेदार फिल्म की उम्मीद जगाता है, लेकिन अफसोस ये कि सेकेंड हाफ में फिल्म की कहानी उतना दम नज़र नहीं आता। अक्षय और इमरान की सेल्फी का क्लाइमैक्स काफ़ी कमज़ोर है। हालाँकि डायरेक्टर राज मेहता ने फिल्म में कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सारे मसाले डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण वे एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब रहे हैं। अक्षय कुमार ने इसी फिल्म में सुपरस्टार के रोल में ठीक ठाक एक्टिंग की है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सेल्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी सेल्फी, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राज मेहता, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं।
तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, मोनराल ठाकुर, नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस, कुसा कपिला, अदा शर्मा, अभिमन्यु सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हां दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो RTO इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल इमरान हाशमी फिल्म में सुपरस्टार विजय कुमार अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विजय कुमार भोपाल आया हुआ है, जहां पर ओम प्रकाश रहता है। फिल्म की शूटिंग की मंजूरी के लिए विजय कुमार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करनी है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे पता चलता है कि उसका लाइसेंस खो गया। विजय का जबरदस्त पेन होने के नाते ओम प्रकाश जल्द लाइसेंस बनवाने की उसकी मदद करता है। लाइसेंस लेने RTO ऑफिस पहुंचा विजय वहां मीडिया को देख भड़क जाता है और ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने बेइज्जत करता है। कहानी यहाँ से पलटती है और विजय का सबसे बड़ा फैन ओम प्रकाश अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसी बीच ओम प्रकाश के घर पर कुछ गुंडे पथराव कर देते हैं, तो उसे लगता है कि ये सब विजय ने करवाया है। अब वे साफ कर देता है कि विजय को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो उसे आम आदमी की तरह RTO आकर सारे टेस्ट देने होंगे। आगे एक सुपरस्टार और उसके सबसे बड़े फैन की जंग का क्या अंजाम होता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो ऐसी फिल्म को देखकर आपको एक बार को 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म फैन की याद आ जाएगी। उसमें शाहरुख का सबसे बड़ा फैन है उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसी फिल्म में शाहरुख ने अपना और अपने फैन का डबल रोल किया है। हालांकि ये फिल्म उसके कई मायने में अलग है। फिल्म का पहला हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एक मसालेदार फिल्म की उम्मीद जगाता है, लेकिन अफसोस ये कि सेकेंड हाफ में फिल्म की कहानी उतना दम नज़र नहीं आता। अक्षय और इमरान की सेल्फी का क्लाइमैक्स काफ़ी कमज़ोर है। हालाँकि डायरेक्टर राज मेहता ने फिल्म में कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सारे मसाले डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण वे एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब रहे हैं। अक्षय कुमार ने इसी फिल्म में सुपरस्टार के रोल में ठीक ठाक एक्टिंग की है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी सेल्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी सेल्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राज मेहता, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, मोनराल ठाकुर, नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस, कुसा कपिला, अदा शर्मा, अभिमन्यु सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हां दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो आरटीओ इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल इमरान हाशमी फिल्म सुपरस्टार विजय कुमार अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विजय कुमार भोपाल आया हुआ है, जहां पर ओम प्रकाश रहता है। फिल्म की शूटिंग की मंजूरी के लिए विजय कुमार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करनी है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे पता चलता है कि उसका लाइसेंस खो गया। विजय का जबरदस्त पेन होने के नाते ओम प्रकाश जल्द लाइसेंस बनवाने की उसकी मदद करता है। लाइसेंस लेने आरटीओ ऑफिस पहुंचा विजय वहां मीडिया को देख भड़क जाता है और ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने बेइज्जत करता है। कहानी यहाँ से पलटती है और विजय का सबसे बड़ा फैन ओम प्रकाश अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसी बीच ओम प्रकाश के घर पर कुछ गुंडे पथराव कर देते हैं, तो उसे लगता है कि ये सब विजय ने करवाया है। अब वे साफ कर देता है कि विजय को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो उसे आम आदमी की तरह आरटीओ आकर सारे टेस्ट देने होंगे। आगे एक सुपरस्टार और उसके सबसे बड़े फैन की जंग का क्या अंजाम होता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की, तो ऐसी फिल्म को देखकर आपको एक बार को 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म फैन की याद आ जाएगी। उसमें शाहरुख का सबसे बड़ा फैन है उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसी फिल्म में शाहरुख ने अपना और अपने फैन का डबल रोल किया है। हालांकि ये फिल्म उसके कई मायने में अलग है। फिल्म का पहला हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एक मसालेदार फिल्म की उम्मीद जगाता है, लेकिन अफसोस ये कि सेकेंड हाफ में फिल्म की कहानी उतना दम नज़र नहीं आता। अक्षय और इमरान की सेल्फी का क्लाइमैक्स काफ़ी कमज़ोर है। हालाँकि डायरेक्टर राज मेहता ने फिल्म में
कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सारे मसाले डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण वे एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब रहे हैं। अक्षय कुमार ने इसी फिल्म में सुपरस्टार के रोल में ठीक ठाक एक्टिंग की है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सेल्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी सेल्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राज मेहता, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, मोनराल ठाकुर, नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस, कुसा कपिला, अदा शर्मा, अभिमन्यु सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हां दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो आरटीओ इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल इमरान हाशमी फिल्म में सुपरस्टार विजय कुमार अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विजय कुमार भोपाल आया हुआ है, जहां पर ओम प्रकाश रहता है। फिल्म की शूटिंग की मंजूरी के लिए विजय कुमार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करनी है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे पता चलता है कि उसका लाइसेंस खो गया। विजय का जबरदस्त पेन होने के नाते ओम प्रकाश जल्द लाइसेंस बनवाने की उसकी मदद करता है। लाइसेंस लेने आरटीओ ऑफिस पहुंचा विजय वहां मीडिया को देख भड़क जाता है और ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने बेइज्जत करता है। कहानी यहाँ से पलटती है और विजय का सबसे बड़ा फैन ओम प्रकाश अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसी बीच ओम प्रकाश के घर पर कुछ गुंडे पथराव कर देते हैं,
तो उसे लगता है कि ये सब विजय ने करवाया है। अब वह साफ कर देता है कि विजय को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसे आम आदमी की तरह RTO आकर सारे टेस्ट देने होंगे। आगे एक सुपरस्टार और उसके सबसे बड़े फैन की जंग का क्या अंजाम होता है ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की, तो ऐसी फिल्म को देखकर आपको एक बार को 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म फैन की याद आ जाएगी। उसमें शाहरुख का सबसे बड़ा फैन है उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसी फिल्म में शाहरुख ने अपना और अपने फैन का डबल रोल किया है। हालांकि ये फिल्म उसके कई मायने में अलग है। फिल्म का पहला हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एक मसालेदार फिल्म की उम्मीद जगाता है, लेकिन अफसोस ये कि सेकेंड हाफ में फिल्म की कहानी उतना दम नज़र नहीं आता। अक्षय और इमरान की सेल्फी का क्लाइमैक्स काफ़ी कमज़ोर है। हालाँकि डायरेक्टर राज मेहता ने फिल्म में कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सारे मसाले डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण वे एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब रहे हैं। अक्षय कुमार ने इसी फिल्म में सुपरस्टार के रोल में ठीक ठाक एक्टिंग की है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सेल्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी सेल्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राज मेहता, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, मोनराल ठाकुर, नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस, कुसा कपिला, अदा शर्मा, अभिमन्यु सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हां दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो RTO इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल इमरान हाशमी फिल्म सुपरस्टार विजय कुमार अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विजय
कुमार भोपाल आया हुआ है, जहां पर ओम प्रकाश रहता है। फिल्म की शूटिंग की मंजूरी के लिए विजय कुमार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करनी है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे पता चलता है कि उसका लाइसेंस खो गया। विजय का जबरदस्त पेन होने के नाते ओम प्रकाश जल्द लाइसेंस बनवाने की उसकी मदद करता है। लाइसेंस लेने आरटीओ ऑफिस पहुंचा विजय वहां मीडिया को देख भड़क जाता है और ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने बेइज्जत करता है। कहानी यहाँ से पलटती है और विजय का सबसे बड़ा फैन ओम प्रकाश अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसी बीच ओम प्रकाश के घर पर कुछ गुंडे पथराव कर देते हैं, तो उसे लगता है कि ये सब विजय ने करवाया है। अब वे साफ कर देता है कि विजय को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसे आम आदमी की तरह आरटीओ आकर सारे टेस्ट देने होंगे। आगे एक सुपरस्टार और उसके सबसे बड़े फैन की जंग का क्या अंजाम होता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की, तो ऐसी फिल्म को देखकर आपको एक बार को 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म फैन की याद आ जाएगी। उसमें शाहरुख का सबसे बड़ा फैन है उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसी फिल्म में शाहरुख ने अपना और अपने फैन का डबल रोल किया है। हालांकि ये फिल्म उसके कई मायने में अलग है। फिल्म का पहला हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एक मसालेदार फिल्म की उम्मीद जगाता है, लेकिन अफसोस ये कि सेकेंड हाफ में फिल्म की कहानी उतना दम नज़र नहीं आता। अक्षय और इमरान की सेल्फी का क्लाइमैक्स काफ़ी कमज़ोर है। हालाँकि डायरेक्टर राज मेहता ने फिल्म में कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सारे मसाले डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण वे एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब रहे हैं। अक्षय कुमार ने इसी फिल्म में सुपरस्टार के रोल में ठीक ठाक एक्टिंग की है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सेल्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी सेल्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राज मेहता, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, मोनराल ठाकुर, नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस, कुसा कपिला, अदा शर्मा, अभिमन्यु सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो आरटीओ इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल इमरान हाशमी फिल्म में सुपरस्टार विजय कुमार अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विजय कुमार भोपाल आया हुआ है जहां पर ओम प्रकाश रहता है। फिल्म की शूटिंग की मंजूरी के लिए विजय कुमार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करनी है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे पता चलता है कि उसका लाइसेंस खो गया। विजय का जबरदस्त पेन होने के नाते ओम प्रकाश जल्द लाइसेंस बनवाने की उसकी मदद करता है। लाइसेंस लेने आरटीओ ऑफिस पहुंचा विजय वहां मीडिया को देख भड़क जाता है और ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने बेइज्जत करता है। कहानी यहाँ से पलटती है और विजय का सबसे बड़ा फैन ओम प्रकाश अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसी बीच ओम प्रकाश के घर पर कुछ गुंडे पथराव कर देते हैं, तो उसे लगता है कि ये सब विजय ने करवाया है। अब वे साफ कर देता है कि विजय को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसे आम आदमी की तरह आरटीओ आकर सारे टेस्ट देने होंगे। आगे एक सुपरस्टार और उसके सबसे बड़े फैन की जंग का क्या अंजाम होता है ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो ऐसी फिल्म को देखकर आपको एक बार को 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म फैन की याद आ जाएगी। उसमें शाहरुख का सबसे बड़ा फैन है उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसी फिल्म में शाहरुख ने अपना और अपने फैन का डबल रोल किया है। हालांकि ये फिल्म उसके कई मायने में अलग है। फिल्म का पहला हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एक मसालेदार फिल्म की उम्मीद जगाता है, लेकिन अफसोस ये कि सेकेंड हाफ में फिल्म की कहानी उतना दम नज़र नहीं आता। अक्षय और इमरान की सेल्फी का क्लाइमैक्स काफ़ी कमज़ोर है। हालाँकि डायरेक्टर राज मेहता ने फिल्म में कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सारे मसाले डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण वे एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब रहे हैं। अक्षय कुमार ने इसी फिल्म में सुपरस्टार के रोल में ठीक ठाक एक्टिंग की है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सेल्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी सेल्फी, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राज मेहता, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं।
तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, मोनराल ठाकुर, नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस, कुसा कपिला, अदा शर्मा, अभिमन्यु सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हां दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो RTO इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल इमरान हाशमी फिल्म में सुपरस्टार विजय कुमार अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विजय कुमार भोपाल आया हुआ है, जहां पर ओम प्रकाश रहता है। फिल्म की शूटिंग की मंजूरी के लिए विजय कुमार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करनी है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे पता चलता है कि उसका लाइसेंस खो गया। विजय का जबरदस्त पेन होने के नाते ओम प्रकाश जल्द लाइसेंस बनवाने की उसकी मदद करता है। लाइसेंस लेने RTO ऑफिस पहुंचा विजय वहां मीडिया को देख भड़क जाता है और ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने बेइज्जत करता है। कहानी यहाँ से पलटती है और विजय का सबसे बड़ा फैन ओम प्रकाश अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसी बीच ओम प्रकाश के घर पर कुछ गुंडे पथराव कर देते हैं, तो उसे लगता है कि ये सब विजय ने करवाया है। अब वे साफ कर देता है कि विजय को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसे आम आदमी की तरह RTO आकर सारे टेस्ट देने होंगे। आगे एक सुपरस्टार और उसके सबसे बड़े फैन की जंग का क्या अंजाम होता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो ऐसी फिल्म को देखकर आपको एक बार को 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म फैन की याद आ जाएगी। उसमें शाहरुख का सबसे बड़ा फैन है उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसी फिल्म में शाहरुख ने अपना और अपने फैन का डबल रोल किया है। हालांकि ये फिल्म उसके कई मायने में अलग है। फिल्म का पहला हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एक मसालेदार फिल्म की उम्मीद जगाता है, लेकिन अफसोस ये कि सेकेंड हाफ में फिल्म की कहानी उतना दम नज़र नहीं आता। अक्षय और इमरान की सेल्फी का क्लाइमैक्स काफ़ी कमज़ोर है। हालाँकि डायरेक्टर राज मेहता ने फिल्म में कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सारे मसाले डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण वे एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब रहे हैं। अक्षय कुमार ने इसी फिल्म में सुपरस्टार के रोल में ठीक ठाक एक्टिंग की है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी सेल्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी सेल्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राज मेहता, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, मोनराल ठाकुर, नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस, कुसा कपिला, अदा शर्मा, अभिमन्यु सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हां दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो आरटीओ इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल इमरान हाशमी फिल्म में सुपरस्टार विजय कुमार अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विजय कुमार भोपाल आया हुआ है, जहां पर ओम प्रकाश रहता है। फिल्म की शूटिंग की मंजूरी के लिए विजय कुमार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करनी है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे पता चलता है कि उसका लाइसेंस खो गया। विजय का जबरदस्त पेन होने के नाते ओम प्रकाश जल्द लाइसेंस बनवाने की उसकी मदद करता है। लाइसेंस लेने आरटीओ ऑफिस पहुंचा विजय वहां मीडिया को देख भड़क जाता है और ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने बेइज्जत करता है। कहानी यहाँ से पलटती है और विजय का सबसे बड़ा फैन ओम प्रकाश अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसी बीच ओम प्रकाश के घर पर कुछ गुंडे पथराव कर देते हैं, तो उसे लगता है कि ये सब विजय ने करवाया है। अब वे साफ कर देता है कि विजय को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो उसे आम आदमी की तरह आरटीओ आकर सारे टेस्ट देने होंगे। आगे एक सुपरस्टार और उसके सबसे बड़े फैन की जंग का क्या अंजाम होता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की, तो ऐसी फिल्म को देखकर आपको एक बार को 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म फैन की याद आ जाएगी। उसमें शाहरुख का सबसे बड़ा फैन है उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसी फिल्म में शाहरुख ने अपना और अपने फैन का डबल रोल किया है। हालांकि ये फिल्म उसके कई मायने में अलग है। फिल्म का पहला हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एक मसालेदार फिल्म की उम्मीद जगाता है, लेकिन अफसोस ये कि सेकेंड हाफ में फिल्म की कहानी उतना दम नज़र नहीं आता। अक्षय और इमरान की सेल्फी का क्लाइमैक्स काफ़ी कमज़ोर है। हालाँकि डायरेक्टर राज मेहता ने फिल्म में
कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सारे मसाले डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण वे एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब रहे हैं। अक्षय कुमार ने इसी फिल्म में सुपरस्टार के रोल में ठीक ठाक एक्टिंग की है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सेल्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी सेल्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राज मेहता, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, मोनराल ठाकुर, नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस, कुसा कपिला, अदा शर्मा, अभिमन्यु सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हां दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो आरटीओ इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल इमरान हाशमी फिल्म में सुपरस्टार विजय कुमार अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विजय कुमार भोपाल आया हुआ है, जहां पर ओम प्रकाश रहता है। फिल्म की शूटिंग की मंजूरी के लिए विजय कुमार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करनी है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे पता चलता है कि उसका लाइसेंस खो गया। विजय का जबरदस्त पेन होने के नाते ओम प्रकाश जल्द लाइसेंस बनवाने की उसकी मदद करता है। लाइसेंस लेने आरटीओ ऑफिस पहुंचा विजय वहां मीडिया को देख भड़क जाता है और ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने बेइज्जत करता है। कहानी यहाँ से पलटती है और विजय का सबसे बड़ा फैन ओम प्रकाश अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसी बीच ओम प्रकाश के घर पर कुछ गुंडे पथराव कर देते हैं,
तो उसे लगता है कि ये सब विजय ने करवाया है। अब वह साफ कर देता है कि विजय को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसे आम आदमी की तरह RTO आकर सारे टेस्ट देने होंगे। आगे एक सुपरस्टार और उसके सबसे बड़े फैन की जंग का क्या अंजाम होता है ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की, तो ऐसी फिल्म को देखकर आपको एक बार को 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म फैन की याद आ जाएगी। उसमें शाहरुख का सबसे बड़ा फैन है उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसी फिल्म में शाहरुख ने अपना और अपने फैन का डबल रोल किया है। हालांकि ये फिल्म उसके कई मायने में अलग है। फिल्म का पहला हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एक मसालेदार फिल्म की उम्मीद जगाता है, लेकिन अफसोस ये कि सेकेंड हाफ में फिल्म की कहानी उतना दम नज़र नहीं आता। अक्षय और इमरान की सेल्फी का क्लाइमैक्स काफ़ी कमज़ोर है। हालाँकि डायरेक्टर राज मेहता ने फिल्म में कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सारे मसाले डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण वे एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब रहे हैं। अक्षय कुमार ने इसी फिल्म में सुपरस्टार के रोल में ठीक ठाक एक्टिंग की है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सेल्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी सेल्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राज मेहता, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, मोनराल ठाकुर, नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस, कुसा कपिला, अदा शर्मा, अभिमन्यु सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हां दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो RTO इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल इमरान हाशमी फिल्म सुपरस्टार विजय कुमार अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विजय
कुमार भोपाल आया हुआ है, जहां पर ओम प्रकाश रहता है। फिल्म की शूटिंग की मंजूरी के लिए विजय कुमार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करनी है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे पता चलता है कि उसका लाइसेंस खो गया। विजय का जबरदस्त पेन होने के नाते ओम प्रकाश जल्द लाइसेंस बनवाने की उसकी मदद करता है। लाइसेंस लेने आरटीओ ऑफिस पहुंचा विजय वहां मीडिया को देख भड़क जाता है और ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने बेइज्जत करता है। कहानी यहाँ से पलटती है और विजय का सबसे बड़ा फैन ओम प्रकाश अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसी बीच ओम प्रकाश के घर पर कुछ गुंडे पथराव कर देते हैं, तो उसे लगता है कि ये सब विजय ने करवाया है। अब वे साफ कर देता है कि विजय को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसे आम आदमी की तरह आरटीओ आकर सारे टेस्ट देने होंगे। आगे एक सुपरस्टार और उसके सबसे बड़े फैन की जंग का क्या अंजाम होता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की, तो इसी फिल्म को देखकर आपको एक बार को 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म फैन की याद आ जाएगी। उसमें शाहरुख का सबसे बड़ा फैन है उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसी फिल्म में शाहरुख ने अपना और अपने फैन का डबल रोल किया है। हालांकि ये फिल्म उसके कई मायने में अलग है। फिल्म का पहला हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एक मसालेदार फिल्म की उम्मीद जगाता है, लेकिन अफसोस ये कि सेकेंड हाफ में फिल्म की कहानी उतना दम नज़र नहीं आता। अक्षय और इमरान की सेल्फी का क्लाइमैक्स काफ़ी कमज़ोर है। हालाँकि डायरेक्टर राज मेहता ने फिल्म में कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सारे मसाले डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण वे एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब रहे हैं। अक्षय कुमार ने इसी फिल्म में सुपरस्टार के रोल में ठीक ठाक एक्टिंग की है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सेल्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी सेल्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राज मेहता, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, मोनराल ठाकुर, नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस, कुसा कपिला, अदा शर्मा, अभिमन्यु सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो आरटीओ इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल इमरान हाशमी फिल्म में सुपरस्टार विजय कुमार अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विजय कुमार भोपाल आया हुआ है, जहां पर ओम प्रकाश रहता है। फिल्म की शूटिंग की मंजूरी के लिए विजय कुमार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करनी है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे पता चलता है कि उसका लाइसेंस खो गया। विजय का जबरदस्त पेन होने के नाते ओम प्रकाश जल्द लाइसेंस बनवाने की उसकी मदद करता है। लाइसेंस लेने आरटीओ ऑफिस पहुंचा विजय वहां मीडिया को देख भड़क जाता है और ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने बेइज्जत करता है। कहानी यहाँ से पलटती है और विजय का सबसे बड़ा फैन ओम प्रकाश अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसी बीच ओम प्रकाश के घर पर कुछ गुंडे पथराव कर देते हैं, तो उसे लगता है कि ये सब विजय ने करवाया है। अब वे साफ कर देता है कि विजय को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो उसे आम आदमी की तरह आरटीओ आकर सारे टेस्ट देने होंगे। आगे एक सुपरस्टार और उसके सबसे बड़े फैन की जंग का क्या अंजाम होता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो ऐसी फिल्म को देखकर आपको एक बार को 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म फैन की याद आ जाएगी। उसमें शाहरुख का सबसे बड़ा फैन है उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसी फिल्म में शाहरुख ने अपना और अपने फैन का डबल रोल किया है। हालांकि ये फिल्म उसके कई मायने में अलग है। फिल्म का पहला हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एक मसालेदार फिल्म की उम्मीद जगाता है, लेकिन अफसोस ये कि सेकेंड हाफ में फिल्म की कहानी उतना दम नज़र नहीं आता। अक्षय और इमरान की सेल्फी का क्लाइमैक्स काफ़ी कमज़ोर है। हालाँकि डायरेक्टर राज मेहता ने फिल्म में कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सारे मसाले डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण वे एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब रहे हैं। अक्षय कुमार ने इसी फिल्म में सुपरस्टार के रोल में ठीक ठाक एक्टिंग की है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सेल्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी सेल्फी, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राज मेहता, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं।
तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, मोनराल ठाकुर, नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस, कुसा कपिला, अदा शर्मा, अभिमन्यु सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हां दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो RTO इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल इमरान हाशमी फिल्म में सुपरस्टार विजय कुमार अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विजय कुमार भोपाल आया हुआ है, जहां पर ओम प्रकाश रहता है। फिल्म की शूटिंग की मंजूरी के लिए विजय कुमार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करनी है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे पता चलता है कि उसका लाइसेंस खो गया। विजय का जबरदस्त पेन होने के नाते ओम प्रकाश जल्द लाइसेंस बनवाने की उसकी मदद करता है। लाइसेंस लेने RTO ऑफिस पहुंचा विजय वहां मीडिया को देख भड़क जाता है और ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने बेइज्जत करता है। कहानी यहाँ से पलटती है और विजय का सबसे बड़ा फैन ओम प्रकाश अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसी बीच ओम प्रकाश के घर पर कुछ गुंडे पथराव कर देते हैं, तो उसे लगता है कि ये सब विजय ने करवाया है। अब वे साफ कर देता है कि विजय को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसे आम आदमी की तरह RTO आकर सारे टेस्ट देने होंगे। आगे एक सुपरस्टार और उसके सबसे बड़े फैन की जंग का क्या अंजाम होता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो ऐसी फिल्म को देखकर आपको एक बार को 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म फैन की याद आ जाएगी। उसमें शाहरुख का सबसे बड़ा फैन है उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसी फिल्म में शाहरुख ने अपना और अपने फैन का डबल रोल किया है। हालांकि ये फिल्म उसके कई मायने में अलग है। फिल्म का पहला हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एक मसालेदार फिल्म की उम्मीद जगाता है, लेकिन अफसोस ये कि सेकेंड हाफ में फिल्म की कहानी उतना दम नज़र नहीं आता। अक्षय और इमरान की सेल्फी का क्लाइमैक्स काफ़ी कमज़ोर है। हालाँकि डायरेक्टर राज मेहता ने फिल्म में कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सारे मसाले डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण वे एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब रहे हैं। अक्षय कुमार ने इसी फिल्म में सुपरस्टार के रोल में ठीक ठाक एक्टिंग की है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी सेल्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी सेल्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राज मेहता, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 73% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, मोनराल ठाकुर, नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस, कुसा कपिला, अदा शर्मा, अभिमन्यु सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हां दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो आरटीओ इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल इमरान हाशमी फिल्म में सुपरस्टार विजय कुमार अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में विजय कुमार भोपाल आया हुआ है, जहां पर ओम प्रकाश रहता है। फिल्म की शूटिंग की मंजूरी के लिए विजय कुमार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करनी है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे पता चलता है कि उसका लाइसेंस खो गया। विजय का जबरदस्त पेन होने के नाते ओम प्रकाश जल्द लाइसेंस बनवाने की उसकी मदद करता है। लाइसेंस लेने आरटीओ ऑफिस पहुंचा विजय वहां मीडिया को देख भड़क जाता है और ओम प्रकाश को उसके बेटे के सामने बेइज्जत करता है। कहानी यहाँ से पलटती है और विजय का सबसे बड़ा फैन ओम प्रकाश अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसी बीच ओम प्रकाश के घर पर कुछ गुंडे पथराव कर देते हैं, तो उसे लगता है कि ये सब विजय ने करवाया है। अब वे साफ कर देता है कि विजय को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो उसे आम आदमी की तरह आरटीओ आकर सारे टेस्ट देने होंगे। आगे एक सुपरस्टार और उसके सबसे बड़े फैन की जंग का क्या अंजाम होता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की, तो ऐसी फिल्म को देखकर आपको एक बार को 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म फैन की याद आ जाएगी। उसमें शाहरुख का सबसे बड़ा फैन है उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसी फिल्म में शाहरुख ने अपना और अपने फैन का डबल रोल किया है। हालांकि ये फिल्म उसके कई मायने में अलग है। फिल्म का पहला हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एक मसालेदार फिल्म की उम्मीद जगाता है, लेकिन अफसोस ये कि सेकेंड हाफ में फिल्म की कहानी उतना दम नज़र नहीं आता। अक्षय और इमरान की सेल्फी का क्लाइमैक्स काफ़ी कमज़ोर है। हालाँकि डायरेक्टर राज मेहता ने फिल्म में
कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सारे मसाले डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण वे एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब रहे हैं। अक्षय कुमार ने इसी फिल्म में सुपरस्टार के रोल में ठीक ठाक एक्टिंग की है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।